ब्लेमिशेस का अगर आप ट्रीटमेंट करवा के आप हार मान चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज जो होम रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो ब्लेमिशेस पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। इवन कि अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं या स्किन डार्कन साइड पे है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं अगर आप इसको रूटीन में करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँगी तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए बताती हूँ क्या है ये रेमेडी और आप कैसे इससे पूरी तरह से ब्लेमिशेस से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे ही रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। ब्लेमिशेस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ब्लेमिशेस के एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से सन एक्सपोजर। जब आप बिना सनस्क्रीन लगाए बहुत आराम से बिंदास होके धूप में घूमते हैं तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो यूवी रेज हैं वो आपके स्किन में मेलानिन के जो प्रोडक्शन को है उसको बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आपको डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। सेकंड रीज़न है कि जैसे आप लोग कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, स्टीरॉयड्स या कोई हार्मोनल आप कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको ये दिक्कत होती है। बहुत सारे और रीज़न्स हैं आपकी डाइट का, और आप पानी का इंटेक कम करते हैं, है बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन चलिए रीज़न कोई भी हो, हम इसका हल पूरी तरह से करते हैं। सबसे पहले तो डाइट पे ध्यान देते हैं, देन मैं आपको पोटैटो फेशियल बताने वाली हूँ जो कि अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। ऊपर अगर आप सिर्फ लगाते जाएंगे लेकिन अंदर वर्क नहीं करेंगे, अगर इंटरनली वर्क नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ये ब्लेमिशेस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो आप सिर्फ ऊपर लगा के काम मत कीजिए, आपको कोई भी वेजिटेबल जूस जो है वो लेना ही लेना है। तो जिसमें स्पेशली आपके चुकंदर, बीटरूट जरूर होना चाहिए, कैरेट्स, बीटरूट, आंवला, ये तीन चीज़ें जो हैं डेली आपकी डाइट में होनी चाहिए। तो किस तरह से लेते हैं वो आपके ऊपर है। और सेकंड, आपको आंवला जैसे मैंने बताया, अगर आप जूस में नहीं डालना चाहते तो आप वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है। जो पहला ड्रिंक मैंने बताया है वो क्या काम करता है, जितने भी बॉडी के अंदर आपके लीवर के ऊपर जो भी टॉक्सिक होते हैं वो इसको पूरी तरह से फ्लश आउट कर देता है बॉडी में से। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी रहने के लिए भी। तो हेल्दी स्किन ऐसे नहीं बताया जाता, ये एक रीज़न होता है कि आपको ये जूसेस बताए जाते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप सैलड ले सकते हैं, सैलड्स में भी आप बहुत सारी मल्टीपल विटामिन्स जो भरपूर हो, जैसे बहुत सारी आप वेजिटेबल्स से बना हुआ सैलड ले सकते हैं, जिसमें आप कुकम्बर काट लीजिए, खीरा, ककड़ी, देन उसके बाद आप बीट रूट काट लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारा मिक्स किया हुआ एक सैलड आप तैयार कर लीजिए, इसको डेली कंज्यूम कीजिए। इसके बाद पानी का इंटेक खूब सारा कीजिए और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिविटी से भरपूर रहिए, क्योंकि ये अगर आप रहते हैं तो बहुत अच्छे से आप जो है अपने स्किन पे चमक ला सकते हैं। जो पोटैटो फेशियल मैं आपको बताने वाली हूँ अमेजिंग वर्क करता है, अगर आपके स्किन पे ब्लेमिशेस हैं उस पर वर्क करेगा, डार्क स्पॉट्स हैं उस पर वर्क करेगा, स्किन पे ग्लो नहीं है तो ग्लो बहुत अच्छे से आने वाला है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। आपको कितनी बार करना है, वीक में आपको कितनी बार करना है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, कैसे करना है और कौन लोग इसको थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं या जो बहुत ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरी तरह से पूरे अच्छे से देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग स्किप ना कर सकें। तो पहले आप लीजिए एक आलू लीजिए सबसे पहले, और इसको अच्छे से वॉश कीजिए, स्किन इसकी हटा दीजिए और फिर से एक बार वॉश कर लीजिए, ग्राइंड ही कर लीजिए ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। आपको आलू उसी समय आपको ग्राइंड करना है जब आप फेशियल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अदरवाइज ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो स्किन पे इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। जी हाँ, आप इस वेजिटेबल को ज़्यादा देर नहीं रख सकते, तो आप जो है जब आप करें उसी समय इसको तैयार कीजिए। देखिए, स्किन को लाइट करता है, ब्लीच एजेंट का काम करता है, आपके स्किन को लाइट तो करता है, ब्लेमिशेस को भी दूर करता है, ग्लो भी लाता है। तो जो जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी उसके बेनिफिट्स भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो कच्चा दूध लीजिए, आप कच्चा दूध लेके अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब लीजिए आलू का पेस्ट जो हमने तैयार किया है, उसके अंदर ऐड कीजिए स्क्रबिंग के लिए चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इससे साफ़ किए हुए चेहरे पर स्क्रबिंग कीजिए।
5 to 6 मिनट्स आपको स्क्रबिंग करनी है, टिप्स की हेल्प से कीजिए या थोड़ा सा आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिप्स की हेल्प से करना है क्योंकि चावल जो हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, मीन्स थोड़े से वो ग्रेनुलर लिए होते हैं, स्मूथ नहीं होते, तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से इस पर मसाज करना है। 4 to 5 मिनट अच्छे से मसाज कीजिए। जब आप मसाज करेंगे तो बहुत सारी आपके डेड स्किन सेल्स होंगे वो भी इससे अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, तो आपको अच्छे से इसको मसाज करना है ये एरियाज पे जिनके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं नोज पे और इन पोर्शंस पे या इन पोर्शन पे लोगों के होते हैं, तो ये उसको भी रिमूव करेगा। तो अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट कीजिए एंड देन इसको क्लीन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप जो कि है मसाज। मसाज के लिए आपको वापस से पल्प लेना है आलू का एंड इसके अंदर आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा डाल सकते हैं। मेरे पास इस समय फ्रेश एलोवेरा नहीं थी तो मैंने मार्केट बेस्ड ही ली है। तो इसको डालिए, मिक्स कीजिए अच्छे से। आपको जो एलोवेरा और पल्प का जो रेशो लेना है, अगर आपने 2 स्पून आलू का पल्प लिया है तो आपको 1 स्पून जो है इसमें एलोवेरा जेल डालना है। मिक्स कीजिए और इससे मसाज कीजिए। मसाज करने के लिए आपको इन पोर्शन को यूज़ करना है, आपको ऊपर के भाग को यूज़ करना है। तो प्रेशर देते हुए अच्छे से आप मसाज कीजिए। जो भी एरियाज आपको लगते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा देर के लिए मसाज कीजिए। स्पेशली ये पोर्शन पे ही हमारे जिन लोगों के होते हैं यहाँ पे ही होते हैं, तो अच्छे से इसको मसाज कीजिए एंड देन आपको 10-1 मिनट मसाज के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए या क्लीन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं फेस पैक की तरफ। बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप बिना हेयर फेयर किए जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ इन्हीं को यूज़ करते हुए इसको बनाते हैं। तो अब मैं पहले इसी के बीच फेस पैक को बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि कौन से लोग जो हैं इस फेशियल में थोड़े से चेंजेस करके भी कर सकते हैं। देखिए अभी तो समर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जिनकी बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है वो इसके अंदर जब मैं फेस पैक बताने वाली हूँ आप लोग हनी भी ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है। अब जिनकी बहुत ऑयली स्किन है तो वे बिंदास ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं, तो कीजिए। और कितनी बार वीक में कर सकते हैं आप? वीक में इसको बहुत दिक्कत है, आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो बिना एक्सफोलिएशन के मीन्स स्क्रबिंग जो है आपको वीक में एक बार करनी है, लेकिन बाकी के क्लीनिंग मसाज और फेस पैक जो है वो आपको जो है हफ्ते में आप 7 दिन कर सकते हैं। लेकिन फिर से बता रही हूँ आपको स्क्रबिंग डेली नहीं करनी है, अदरवाइज स्किन जो है वो लूज़ हो जाएगी। स्क्रबिंग वंस अ वीक करनी है, देन उसके बाद आपको ये करना है। और जब भी आप स्टार्ट करें तो फर्स्ट फेशियल में आप स्क्रबिंग जरूर कीजिए, वहाँ आपको ये स्किप नहीं करनी है। फेस पैक के लिए हम वापस से आलू का पल्प लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम मुलट्ठी पाउडर। मुलट्ठी पाउडर जो है आप देखेंगे बहुत सारे कॉस्मेटिक में डलता है। आप जितने भी फेस पैक या बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो आप स्किन से रिलेटेड जो आप स्किन को इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें डली होती हैं। तो ये मुलट्ठी पाउडर क्या करता है, ये आपकी स्किन को लाइट करता है, ये आपके स्किन पे से जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं ये उसको दूर करता है। मुलट्ठी जो होती है वो तासीर में ठंडी होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपके स्किन पे जो बर्निंग एक सेंसेशन आपको रहता है कई लोगों को, ये वो नहीं होने देती। कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, स्किन को लाइट करने की प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। तो आपको 2 चम्मच पल्प के अंदर 1 चम्मच जो है मुलट्ठी पाउडर ऐड करना है, इसका बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। स्किन ड्राई होने पे आप अगर एक्सट्रीम ड्राई है या ड्राई है तो आप यहाँ पे 1/2 स्पून के करीब हनी भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कीजिए और अच्छे से पैक को लगाइए। 10 to 15 मिनट आप इस पैक को लगाएंगे, पूरी तरह से इसको ड्राई मत कीजिएगा एंड देन इसको आप क्लीन कर लीजिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ही बेहतर फेशियल मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको पूरी तरह से अच्छे से करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो कीजिए और मुझे बताइएगा आपने इस फेशियल को किया आपको क्या रिजल्ट्स मिले। आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं, आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।